हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आप में से जितने भी लोग बिल्कुल तैयार हैं इस बार सिलेक्शन लेने के लिए, आप सबके लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, कुछ भी बकवास क्वेश्चन नहीं। जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उनको उठा उठा के यहाँ पर डाला गया, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करेंगे। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के सबको इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। लोग जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और लगे हाथ चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट स्टडी गाइड बुक आपके सामने है। चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीबी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यांत्रिक की तैयारी कर रहे हो, सेक्शन वन के लिए देखो, सब में सेक्शन वन आता है, आपको पता है। सेक्शन वन की 60 नंबर्स के पेपर होते हैं, इनको क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। विदाउट सेक्शन वन सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, और जितना ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो सेक्शन वन के अंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ओपन फील्ड होता है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, सब कुछ एक बुक के अंदर मिल जा रहा है आपको, ठीक है। और ये बुक हिंदी मीडियम में, इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से जितने भी लोग इस बुक को बाय करना चाहते हैं, इवन बाय करना चाहते नहीं, बाय करो और इसको तैयारी करो, ठीक है। और बिकॉज बाय करने का रीज़न क्या कि क्यों बाय करें, यहाँ पे पहली बात तो ये जितनी भी चीज़ें चैप्टर वाइज मिल रही है आपको, चाहे आपका रीजनिंग होता है, इवन आपका करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, पूरा का पूरा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है। और जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है साथ में उसके प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये बहुत ही हेल्प करता है। जैसे कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो मेरे से, या फिर मेरे क्लासेस पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो पूछते हो ना कहाँ से करें, तो बस यहाँ से करो, समझो कि बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा, क्वेश्चंस एग्जाम के लेवल के मिलेंगे, और तैयारी करो आप। बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ये बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। अब आ जाते हैं हम लोग इधर, देखो मिस्टी, मिस्टी का जन्मदिन, ये मिस्टी एक लड़की का नाम है, खा मत जाना 28 समझ के इसको, ठीक है। मिस्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। अगर आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले देखो ड्यूरेशन क्या क्या दे रखा है। 27 अप्रैल से लेके 20 अक्टूबर तक कितना डेट हुआ कुल मिला के, देखो 27 अक्टूबर के बाद कितना दिन और, सॉरी 27 अप्रैल के बाद अप्रैल में और कितना दिन बच गया, तो सर अप्रैल के अंदर ना 3 डेज और बच गए। अप्रैल के बाद आता है मई, जून, तो मई में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन। जून में होता है 30 डेज, जुलाई में हो जाता है आपका 31 डेज, अगस्त में हो जाता है आपका 31 डेज, सितंबर में हो जाएगा 30 डेज, फिर आपका अक्टूबर में लेना 20 अक्टूबर तक, सबको जोड़ दो टोटल कितने डेज बनेंगे, 176 डेज बचे आपके पास, 176 दिन आपके पास बच के भाई साहब। तो 176 दिन को ना एक सप्ताह में विदिन अ वीक हाउ मेनी डेज बोलोगे, 7 डेज। एक सप्ताह में 7 दिन होते तो 7 से डिवाइड मारो 176 को, मारो एक बार 7 × 2 = 14 बचेगा यहाँ पे 7 × 5 = 35। तो ये रिमाइंडर क्या बच रहा है, एक दिन रिमाइंडर बच रहा है, रिमेन हो गया, शेष एक दिन हो गया। तो टोटल जो दिन था वो कौन सा दिन था भैया, 27 अप्रैल को दिन गुरुवार था, मतलब उस दिन कौन सा दिन था, थर्सडे था। तो अगला जो है ना वो क्या कह रहा, 20 अक्टूबर को थर्सडे से एक जोड़ दो आप, वही दिन होगा। थर्सडे में 1 डे जोड़ दोगे तो क्या आएगा, कहोगे सर फ्राइडे आता है, इसके दिन फ्राई करके खाते हैं हम लोग हर चीज़ को, तो वही है फ्राइडे ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो बढ़िया लगा क्वेश्चन, आई होप बढ़िया लगा, चाहे नहीं लगा एग्जाम में आया था, ठोको लाइक वीडियो को इसी बात पे। आगे देखो, और आप में से बहुत सारे लोग ना वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, और चैनल को लाइक तो कर दे रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ पे मतलब क्या चल क्या रहा है, बस वीडियो देखें, नोटिफिकेशन आया चाहे नहीं आया खोज खोज के देख लेते हो, सर्च मारते हो स्टडी वीडियो देख के निकल लेते हो, क्या मतलब क्या है इसका, सब्सक्राइब कर लो कि नोटिफिकेशन भी पहुंचे आप तक। आगे देखो, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए साइमन ने कहा, ये साइमन क्या है भैया, वो वाला साइमन नहीं जो साइमन गो बैक कहते थे ना वो आजादी के टाइम पे, वो साइमन नहीं है, साइमन एक नाम है। साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो महिला का साइमन से क्या रिश्ता है, ठीक है। चलो ये है आपका साइमन, कहाँ है लिखते हैं, साइमन गो बैक, भाग साइमन यहां से, ठीक है, ये साइमन है। अब साइमन क्या कहता है, वह मेरे पिता के, तो पहले को पिता बनाओ इसका, एक बाप बना दिए इसका। अब कह रहा पिता की एकमात्र बहन, अब पिताजी की एकमात्र बहन भी है जो हमारी बुआ लगती है, अब इस बुआ की पुत्री है, ये महिला है ये, ठीक है, ये क्या है, मतलब ये डॉक्टर है, ये क्या है, एक फीमेल है समझ लो, लेडी है। अब इस महिला से साइमन का रिलेशन क्या है, तो बुआ की लड़की क्या लगेगी आपकी, फुफेरी बहन लगेगी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कजन, या फिर कजिन कहते हो,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें। डिक्शनरी अपने जिंदगी में कभी भी पढ़े हो कि नहीं, बचपन में कभी पढ़े हो कि नहीं? हमारे यहाँ हमारे पिताजी तो फिर डिक्शनरी देके वर्ड मीनिंग रटवाते थे कि चल रट 10 वर्ड मीनिंग डेली सुना कम से कम, ऐसे ऐसे गार्जियन है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे हमारे अंकल जी भी थे अपने बच्चों को यही काम करते थे, आपके कराते थे कि नहीं पता नहीं, डेली 10-10, 20-20 वर्ड मीनिंग रटाते थे। ठीक है, तो अब अगर आप रटे हो डिक्शनरी पढ़े हो तो एक चीज आपको समझ में आया होगा, डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग कैसे होता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स। कोई चीज ए से स्टार्ट है, जस्ट लाइक मैं बोलूँ ना कि आपको ए डबल पी एल ई एप्पल, और कोई चीज मैं बोल रहा हूँ एंड, तो अब ये चीज समझो ना कि एप्पल में ए और एंड में भी ए आया पहले, तो ठीक है ये सब आ गए ए और ए तो इनको छोड़ो, अगला देखो पी और इसमें अगला है एन, तो ए बी सी डी में पहले पी आता है या फिर ए बी सी डी में पहले एन आता है? तो कहोगे सर एन आएगा पहले उसके बाद पी आएगा, तो डिक्शनरी के पेज में पहले एंड दिखेगा उसके बाद कुछ पेज के बाद आपको एप्पल का वर्ड दिखेगा। ठीक है, तो यही जो चीज है यही डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ऐसे छाटना, तो एंड को पहले रखो एप्पल को बाद में रखो, बात समझ में आ गया ना? तो यही तरीका है, अंडरस्टैंड अंडरस्टिमेट अंडरस्टूड अंडरस्टैंडिंग और अंडर ट्रेट, इनमें से पहले क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अंडर तक सबके अंदर है, ठीक है रुको, अंडर तक तो सबके अंदर है, यू एन डी ई आर, फिर देखो यू एन डी ई आर, अंडर अंडर सबके अंदर, क्लियर है? अब उसके बाद देखो अंडर के बाद इसमें एस है, इसके अंदर अंडर के बाद ई है, इसमें अंडर के बाद क्या है एस, इसमें भी एस और इसमें आर, तो पहले क्या आता है? तो कहोगे सर पहले ई आता है, तो दो वाला पहले आएगा, दैट इज क्लियर। अब दो के बाद क्या आएगा, तो एस आएगा कि आर आएगा कि क्या आएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और नहीं इसके अंदर टी है, आर नहीं है, इसके अंदर टी है क्योंकि अंडर के बाद टी है ना यहाँ पे, तो अभी सर पहले एस आएगा, तो एस देखो ए में भी है, एस तीन में भी है और एस चार में भी है, तो एस के बाद देखो क्या है इसके अंदर, एस के बाद इसमें टी है, इसमें देखो एस के बाद टी है और इसमें भी एस के बाद टी है, टी के बाद इसके अंदर ए है, टी के बाद ओ है और इसके अंदर भी ए है। अब ऑब्वियसली ए पहले आएगा कि ओ, फिर ए, तो कहोगे सर पहले ए आएगा, तो ए देखो चार में भी और एक में भी है, तो अब इसमें देखो ए के बाद एन है, इसमें भी ए के बाद एन है और उसके बाद इसमें डी है और इसमें भी डी है। अब डी तो यहीं पे एंड हो गया और इसमें फिर भी आगे जा रहा है, तो पहले जो एंड हो गया उसके ले लो, टू के बाद वन वाले को ले लो, क्लियर है? टू के बाद वन वाले को ले लो, इसको आपको लेना होगा। आगे देखो फिर वन वाले के बाद इसमें भी डी था ना, तो इसको ले लो 214, तो 214 से ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी भी है, तो अब देखो 214 ले लिए ना, तो बाकी सबको हटाओ यहाँ से यार, अब काम नहीं है इनका, हटाओ। अब 3 और 5 में देख लो पहले कौन आएगा, तो 3 में देखो अंडर के बाद एस है, इसमें फिर क्या है टी है, तो पहले एस आता है कि पहले टी आता है? क्योंकि पहले एस आता है बाद में आता है टी, तो पहले 3 होगा फिर आपका 5 होगा, तो 21435 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये डिक्शनरी का रूल यही कहता है, ठीक है। आगे देखो ये कह रहा है 0560, ठीक है 0560615, तो अगला सीरीज क्या होगा? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या क्या, देखो इसके अंदर क्या जोड़ा है, प्लस 5 जोड़ा गया है, इसके अंदर क्या जोड़ा है 55 जोड़ा है, इसके अंदर क्या जोड़ा है 555 जोड़ा है। देखो पहले एक सिंगल 5 जोड़ा, फिर डबल 5 जोड़ा, फिर 555 जोड़ा, अगली बार 4 को 5 जोड़ दो इसके अंदर, पकड़ के तोड़ दो, तो जब 4 5 में अगर हम 615 ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 6170, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है? देखो ये क्या है एस टी यू, फिर है क्या आपका देखो डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी, तो इसमें देखो क्या किया गया, 4 ऐड कर दिया, टी यू बी डब्ल्यू एक्स, 4 ऐड करते गया, इसमें भी 4 ऐड कर दो, इसमें भी 4 ऐड कर दो, ठीक है। तो अब इनमें अगर हम 4 ऐड कर दें, सबके अंदर 4 ऐड कर दें, तो क्या मिलेगा, ए के बाद 4 ऐड करोगे तो बी सी डी ई, ठीक है। बी में अगर हम 2 में 4 ऐड कर दें तो 6 नंबर पर होता है एफ, 3 में अगर 4 जोड़ दोगे तो 7 नंबर पर होता है जी, तो ई एफ जी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ये जो क्वेश्चन था इसी प्रकार बन जाता है बहुत आसान तरीके से। आगे देखो 6 नंबर कह रहा है कि 5 लड़के हैं, प्रेम, राजू, सुंदर, हरि और ओमपाल, राजू के पास सुंदर से ज्यादा जमीन का हिस्सा है किंतु प्रेम के हिस्से से कम है, ओमपाल के पास सबसे कम हिस्सा है, हरि के पास जमीन का हिस्सा सुंदर से कम है, तो किसके पास जमीन का सबसे ज्यादा है? तो शुरू से देखो, राजू के पास सुंदर से ज्यादा है, तो राजू
सुंदर से ज्यादा है, तो सुंदर को नीचे रखो इसके, ठीक है। किंतु प्रेम के इसे से कम है, तो राजू का प्रेम से कम है, ठीक है। ओमपाल के पास ना सबसे कम हिस्सा है, तो ओमपाल को सबसे नीचे रखो, कह रहा। और हरि के पास जमीन का हिस्सा सुंदर से कम है, तो सुंदर के पास सुंदर से किसका कम है? हरि का। तो सबसे ज्यादा किसका है? प्रेम का। प्रेम का है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। क्लियर। आगे देखो, ऑर्डरिंग वाला था ये है क्या? देखो, एक पंक्ति में मनोरमा दाएं से 20वें स्थान पे, मनोरमा पहले 20वें स्थान पे, फिर कांता जो है ना बाएं से 10th नंबर पे, और फिर मनोरमा दाएं से 25वें स्थान पे आ रही है। तो फिर टोटल कितने लोग थे? तो मैंने क्या बोला, मनोरमा के जो दो पोजीशन है, दूसरा पोजीशन और कांता का पहला पोजीशन जोड़ो, 35 आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि इस इंसान को हमने मनोरमा को दो बार जोड़ा है, तो एक माइनस कर लो, 34। तो 34 ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो बिल्कुल भी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर देखो, राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी? ठीक है, तो देखो राखी की आयु जो है ना अनुभा की आयु की 12 गुनी है। तो मान लेते हैं राखी जो और अनुभा का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर अनुभा 1 साल की है तो राखी 12 साल की, ठीक है। तो मान लो राखी की एज 12x है, तो अनुभा का एज क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि अनुभा की आयु 3 साल है, तो ये अनुभा का वैल्यू क्या कह रहा है? 3x का वैल्यू 3 हो गया, तो राखी कितनी साल की हो गई? 12 × 3 = 36 साल की हो गई। तो कह रहा है 2 साल पहले राखी का उम्र क्या था? तो प्रेजेंट में जो है राखी कितनी की है भाई? 36 की है। तो 2 ईयर्स अगो क्या था इसका? 2 साल पहले। तो 36 − 2 = 34। और बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर 36 करके निकल जाते हैं कि 36 आ रहा था, तो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पढ़ के भी गलती करके भाग जाते हैं वहां से। 9 नंबर देखो, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर जेड से ए तक को ए से 26 क्रमानुसार के लिए एक मूल्य दिया गया है, ठीक है। जैसे ना जेड वाई डब्ल्यू एक्स एक्स, अरे उल्टा लिख रहे ना, डब्ल्यू ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर सी बी ए, उल्टा करके लिखो और उल्टा नंबरिंग करो, 1 2 3 4 ऐसे करके उल्टा नंबरिंग करो। जेड ए 26 पे आ जाएगा, बी 25 पे आ जाएगा, सी 24 पे आ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद कंसिक्वेंसेस को लिखो और उनका वैल्यू को जोड़ो। तो जब भी अपोजिट वैल्यू लिखना होता है ना, तो उतना उल्टा नहीं लिखा करो, सीधे सीधे याद रखा करो। सी ओ एन, फिर क्या है, एस ई क्यू यू ई एन सी ई, ठीक है। तो सी एक्चुअली 3 नंबर पे होता है, तो 3 में कितना जोड़ोगे तो वैल्यू 27 हो जाएगा। जो भी अपोजिट नंबर होता है, जोड़ देखो, जितना जोड़ने पे 27 आ जाए वो उसका अपोजिट वैल्यू होता है। तो 3 नंबर पे होता है सी, तो 3 में 24 जोड़ोगे तो 27 आएगा, तो सी का उल्टा 24 होता है। ओ का उल्टा क्या होगा? ओ 15 नंबर पे आता है, तो ओ में 12 जोड़ोगे तो वैल्यू 27 होगा। एन कितने नंबर पे आता है? 14। 14 में 13 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। एस 19 नंबर पे होता है, 19 में 8 जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा। ई 5 नंबर पे होता है, तो 5 में कितना? 22 ऐड कर दो, 27 हो जाएगा। क्यू होता है 17 नंबर पे, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। यू होता है 21 नंबर पे, इसमें 6 ऐड कर दो, 27। फिर ई का वैल्यू क्या था? 22 आ जाएगा। एन का वैल्यू ऊपर में भी आ रखा था, 13। सी का वैल्यू 3 था ना, तो 24 ऐड करना था। ई का वैल्यू क्या था आपको? 22 ऊपर में आया क्या? हाँ, ऊपर में बी का वैल्यू है। इन सबको आप ऐड कर दो, जोड़ने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 1576, ठीक है। आप ऐड करके देखो, जोड़ने पे 176 आ जाएगा आपका आंसर। आगे देखो, कह रहा नीचे देखो, कह रहा ना कि त्रिकोण जो है ना, ये त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, ये कह रहा है कि ये सिंगर है, ट्रायंगल वाले सिंगल्स हैं, सिंगर है। सर्कल वाले को कह रहा है कि ये डांसर है, ठीक है, क्या है भाई? ये डांसर है। और रेक्टेंगल वाले कह रहा है कि वो एक्टर है। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर वाले वो कह रहा है कि ये इंजीनियर है। क्लियर है, इंजीनियर है। तो कह रहा है कि वो चीज बताओ, इंजीनियर का पता लगाओ, उस इंजीनियर का पता लगाओ जो नर्तक और अभिनेता है लेकिन गायक नहीं है। मतलब ये इंजीनियर होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए और डांसर होना चाहिए, बट सिंगर नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए, बट सर्कल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के अंदर आना चाहिए। तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर देखो, ए में जो 6 है ये देखो आ रहा है, ठीक है। ये रेक्टेंगल के अंदर आ नहीं, मतलब रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है, स्क्वायर एंड सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर है, ठीक है। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप में से जितने भी लोग हमारे टीम मेंबर, व्हाट्सअप करके हमारे टीम मेंबर को 7279047787 पे व्हाट्सअप करके हमारी कोस्ट गार्ड की पेड क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हो।
साथ में जितने भी पेड पीडीएफ हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इनके बारे में जानकारी ले सकते हो। बाकी हमारा ऐप का लिंक, सारे पेड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेड पीडीएफ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश को बना लो, वोकैबुलरी की जो भी है एक बार पूरा बना लो एग्जाम से पहले, आपको गारंटेड बहुत प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।